raid ban by the Enforcement Directorate is underway at the residence of the former principal of the R.G. Kaur Medical College, Sandeep Ghosh. Raids are also underway at the houses of three of his close associates. One of these associates is Biplab Singh, who's already been arrested by the CBI. This comes as Dr. Sandeep Ghosh is already in CBI's custody in connection with alleged financial irregularities at the medical establishment during his tenure. Just last week, the Enforcement Directorate filed a money laundering case against Sandeep Ghosh to probe alleged financial irregularities. And now, of course, raids are taking place. My colleague Renik Datta with us on the broadcast. Renik, what's happening on the ground in Kolkata? Every day we're hearing fresh updates regarding this case. It seems now the Enforcement Directorate has also jumped in probing financial irregularities against the former principal of the R.G. Kaur Medical College. जो फाइनेंशियल इररेगुलरिटी का मामला था जो सीबीआई की तरफ से इन्वेस्टिगेट करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें संदीप घोष भी शामिल है उसी केस को ईडी को भी दिया गया था जो फाइनेंशियल इररेगुलरिटी हुआ था जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ था वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो मामला वो ईडी की तरफ से भी दायर किया गया था उसी के सिलसिले पर ईडी की तरफ से आज छापामारी किया जा रहा है तीन जगह पर ईडी का ये छापामारी चल रहा है जिसमें आरजी कॉर मेडिकल कॉलेज का एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष का घर भी शामिल है और उसके साथ माँ तारा ट्रेडर्स यानी जो वेंडर के साथ ये संदीप घोष का ट्रांजैक्शन होता था उस माँ तारा ट्रेडर्स का घर ऑफिस दोनों जगह पर ये छापामारी किया जा रहा है। विप्लव सिंह वो मात्रा ट्रेडर्स का ओनर है और उनको भी सीबीआई की तरफ से गिरफ्तार किया गया है और ये फाइनेंशियल करप्शन मामले पर और ये विप्लव सिंह और उसके साथ संदीप घोष ये दोनों का बीच में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ था उसी का इन्वेस्टिगेशन अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से किया जा रहा है तो इसी वजह से आज तीन जगह पर ईडी की तरफ से रेड किया जा रहा है और संदीप घोष के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसके बारे में ईडी की तरफ से छापामारी किया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन भी उनके घर में भी किया जा रहा है। अभी देखना होगा कि एक तरफ सीबीआई की तरफ से जो जांच चल रहा है और ईडी की तरफ से ये जो जांच चल रहा है दोनों के बीच पर ये संदीप घोष को लेकर संदीप घोष पहले तो 8 दिन का अभी सीबीआई कस्टडी में है अभी ईडी की तरफ से इनको लेकर कोई मूवमेंट किया जाता है कि नहीं इनको कस्टडी में लेने का कोई कोशिश किया जाता है कि नहीं इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स YouTube चैनल हिट द बेल आइकन।